अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान मलिक और आप लोग देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहर्रम के महीने का वजीफा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वजीफा करने का तरीका, उसके बाद आपको बताएंगे इस वजीफे की फजीलत। तो ये वजीफा करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको एक मुट्ठी चावल ले लेना है। चावल थोड़े कम या ज्यादा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंदाजे से एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। उसके बाद ध्यान से सुन लीजिए सबसे जरूरी बात, मुहर्रम की एक तारीख से और 10 तारीख के बीच में किसी भी एक दिन आपको ये वजीफा करना है। सिर्फ आपको एक ही दिन वजीफा करना है। आपको ये वजीफा मुहर्रम के महीने में एक तारीख से 10 तारीख के बीच में ईशा की नमाज अदा कर लेने के बाद शुरू करना है। यानी कि आपको ईशा की नमाज इसमें लाजमी पढ़ना ही पढ़ना है। ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए, उसके बाद इस अमल को शुरू कीजिए। आपको ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने जो चावल लिए थे उन चावलों के हर दाने पे आपको अल्लाहुस्समद, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी में ये रहा अल्लाहुस्समद, इंग्लिश में ये रहा अल्लाहुस्समद। ये आपको चावलों के हर दाने पर अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, एक चावल पर एक मर्तबा आपको अल्लाहुस्समद पढ़ना है। इस तरीके से आपने जो एक मुट्ठी चावल लिए थे वो सारे चावलों पर आप अल्लाहुस्समद पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही वजीफा करना है। ये वजीफा पूरा होने के बाद आपने जो चावल लिए थे वो आपको परिंदों को खिला देना है। परिंदे जो भी आपकी छत पे आते हो, कौवा हो, चिड़िया हो, कुछ भी जो चीज भी आती हो, आप उन परिंदों को वो चावल खिला दीजिए। जब ये पढ़े हुए दाने उन बेजुबान परिंदों के पेट में जाएंगे तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह तबारक बताला आपकी हर नेक और जायज दुआ कबूल होगी, घर में सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, घर में बहुत सारी बरकत होगी और गैब से दौलत हासिल होने का जरिया बनेगा, हर तरीके की बीमारियों से निजात मिलेगी और भी इसके अनगिनत फायदे हैं। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस अमल को एक बार जरूर कर लीजिएगा। ये मौका है, बार बार नहीं आता है, तो आप इस अमल को जरूर करें। अल्लाह तबारक बताला से दुआ है अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त कम है, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। आपके एक शेयरिंग से अगर कोई ये वजीफा करेगा तो आपको भी अल्लाह तबारक बताला उसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी खिदमत में इसी तरीके की रोज की 2 वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, एक 11 बजे और एक 8 बजे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तो हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके और रोज की 2 वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।